हेलो सा खम्बागणी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। और आज चूंकि आपको पता ही है कि फैमिली में सब आए हुए हैं, तो एक अलग ही माहौल हो रखा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब सुबह सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। पापा ने हुक्म ने कर लिया है और अब मम्मा हुक्म नाश्ता कर रहे हैं। और मम्मा ने एक नया ड्रेस पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो और क्या, आप क्या मेकअप करने वाले हो क्या? और क्या, कौन सा मेकअप करोगे आप बिना मेकअप? मम्मा आपने पहली बार 4 मीटर पहना है ना, मुझे ऐसे दिखाओ तो। हाँ नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। और कपड़ा क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया कपड़ा। अच्छा कॉटन ही है क्या ये? इस तरह से आपने सुखा दिया क्या? ऐसे नहीं सुखाना मम्मी, बदबू हो जाएगी सब जगह। उसको भी उतार दो। नहीं फिर भी नहीं, आपका फुल लुक अच्छा लग रहा है मम्मा। हाँ अच्छा लग रहा है सही में। हाँ बदला, ये भी आपने अभी सिलवाया था क्या? अब चलो आप फटाफट बैठ के नाश्ता करो। कचौरी का, बड़ी सी कचौरी। क्यों को सोने दो मम्मा, क्यों स्माइल कर रहा है, क्यों नींद में सो रहा है मेरा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है, ये तो छोटा बच्चा है। पापा की कार्बन कॉपी है ये तो। मम्मा ये सूट बाद में समेट लेना ना, पहले आप बैठ के नाश्ता कर लो ना। हम सब ने तो कर लिया, हम सब ने तो कर लिया, पर आप नहाने चले गए थे ना, तो मैंने सोचा मैं तो वहाँ पे भी खाता हूँ, वहाँ से मिठाई रख दी। नाश्ते में मिठाई खाई? बाप रे, वहाँ पे शो का सुबह सुबह मिठाई खाकर। आप मुझे ना बता रही हूँ, आप जाके ना शुगर अपना चेक करवा लेना। मिठाई रख दी उन्होंने, ठंडा पिला दिया। खाओ चलो टेस्ट करके बताओ अच्छी बनी है। अच्छी बनी, मतलब मैंने तो बनाई नहीं है, बट जहाँ से भी लाए हैं अच्छे लगे ना। तो मम्मा हुकुम जो है वो मेरे वाले मम्मा के लिए ये 4 मीटर पारचा लाए हैं, और ये इस पर प्योर का ओढ़ना भी है और साथ में जोड़ भी है, क्योंकि उनको सिर्फ प्योर का ओढ़ना नहीं मिला तो फिर वो पूरा जोड़ ही लेके आ गए। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे कि 4 मीटर भी सिलवा लेंगे और साथ में एक जोड़ भी हो जाएगा। और ये पापा हुकुम के लिए पैंट शर्ट और साथ में साफा। किशु तो कितना शांति से खाना सो गए दादी सा की गोद में है। फोटो भी खींच देंगे। तो मम्मा पापा और हुकुम अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। हुकुम अभी अभी सामान गाड़ी में रखने के लिए गए हैं, पर क्योंकि मम्मा उस घर में हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मम्मा और को भीड़ उसी घर से करते हैं, ताकि मम्मा तिलक निकाल लेंगे, जुहारी कर देंगे, और तब तक मम्मा अपनी पोती को प्यार कर रहे हैं ना मम्मा। और ये फ्रॉक हमारे कौन लाए थे? हमारे मम्मा लेके आए, हमारे मम्मा लेके आए फ्रॉक है ना, है ना दादी जी लेके आए कीवा। और उससे पहले हम सोच रहे हैं कि क्यों ना, क्योंकि क्यू ने गाड़ी पहली बार ही देखी है, तो क्यू के हम पगले बनवाएंगे कार के ऊपर। तो हम लोग अब नीचे जाएंगे, वहाँ पे आरती कर देंगे गाड़ी की और क्यू के पगले बनवाएंगे। और ये हमारे भाभी साहब घूंघट निकाल के तैयार हो गए। फुल्ली रेडी, फुल रेडी हो गए। समझ में आ रहे हैं कि आपको ये घूंघट से ये देखो बीड़ी पास में और थोड़ा सा पीछे बाहर है ना। अच्छा तुमसे तो मैं घूंघट नहीं निकालती, निकालती हूँ। नहीं, हमारे पापा भी बहुत कूल है। पापा भी इसे घूंघट निकाला करो, पापा भी हो पूरी बेटी है। कैसे लगाने हैं अभी देखना आप।
बहुत हार्ड से दिखाना पास कितना प्यारा लग रहा है। ये मन घूमता दिख रही है किशु इतनी बड़ी डांगरी पर इसके पैर भी हो गए दो ही कन्या का हो गया कैसे में ताने नहीं हिंदे ऋषभ दो ही कन्या का हो गया मैं पैर का ना तो चप्पल उठी तो ना अब जाएंगे डेडा आप भी चलोगे नहीं जाऊंगी मना कर दो ना? क्यों मना कर दो कीवी मना करेगी कैसे मना करेगा बेटा कोटा चलेंगे अपन नहीं मम्मा आज नहीं नहलाई बताऊं क्यों क्योंकि ना इसको जुखाम बहुत ज्यादा हो रहा है अभी अभी लाइट देखने लग गई शायद कोई जबरदस्ती प्यार करवा रहे हो आप उसे वो करना नहीं चाह रही आपको जबरदस्ती प्यार कर रहे हो आप उसको फ्रॉक में अच्छी तो लग रही है भाभी सारा तेरा गावड़ा की तरफ फिरा दी गुड़िया बेबी छोटा हाथी की छोटा बच्चा लग रहा है ये हमारी कीछा क्या करी कीछा क्या करती रहती है पूरा दिन पापा को वैसे जाने की जल्दी जल्दी तो नहीं है ना अपन को क्यों हुकुम कहाँ जाने हुकुम कोटा बूंदी की रोड पे जाना है उसके आगे कोटा आएगा मेरी मम्मी ऐसे शर्मा रही है भाभी साहब जैसे तो पता नहीं क्या ही हो रहा है ऐसे क्या शर्मा रहे हो आप हुकुम ये शर्माहट क्यों हो रही है आपको अब ऐसे गले लगने वाला भी करो समझ नहीं आता अब तो सब ठीक हो गया ना ठीक होगा भगवान बढ़िया तो यहाँ अब विदा करने का टाइम आ गया और मामा हुकुम सबके तिलक निकाल के जुहारी कर रहे हैं तो पहले मामा हुकुम कर रहे हैं फिर हमारे सूर्य भैया और भाभी साहब हुकुम करेंगे ये क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप जाते हो रिश्तेदारी में तो जमाई भाई और सगा संबंधी के ये जुहारी की जाती है इस तरह से तो यहाँ पर भी वही हो रहा है और हम साथ में मस्ती कर रहे थे और सूर्य भैया और मैं पूरी तरह से कैमरामैन का रोल प्ले कर रहे थे व्लॉग्स के लिए ऑफकोर्स ताकि आप लोग देखो ये रिचुअल्स और हुकुम को और सब मिठाई बहुत पसंद है मुझे ऐसा लग रहा है वो सोच ही रहे होंगे कि मम्मा पूरा पीस ही दे दो मुझे तो और अब मम्मा हुकुम के तिलक निकालेंगे हालांकि मम्मा हुकुम ने मुझे ऐसा लग रहा है हाथ आगे किया हमारे क्या चूड़े के निकालते हैं और हमारे इधर चूरू साइड वालों में माथे भी निकालते हैं तो मतलब ये चीज़ थोड़ी अलग अलग है तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है मम्मा हाथ आगे कर देते हैं और मम्मा भी कन्फ्यूज आते हैं कि कहाँ निकालना है हाँ तो अब हमारे भाई साहब हुकुम कर रहे हैं तिलक और भाभी साहब हुकुम लेके खड़े हैं पहले से ही पैंट शर्ट पहले से तैयार खड़े हैं देखो और उसके बाद में बारी बारी अब होगा फिर हुकुम का होगा फिर मामा हुकुम के भाभी साहब हुकुम करेंगे तिलक और जुहारी मामा खड़े नहीं रह पा रहे हो तो बेड पे चले जाओ ना मम्मा तो दही में भी है इतनी सारी चीनी डाल दी साथ में हाँ सच में मस्त हो गया हम लोगों की नजर नहीं पड़ी तो मम्मी ने पूरा पूरा फाइनल बताया मम्मा ने मुझे बोला कि है ना मैं दही ऐसे नहीं खाती फिर मैंने हाँ मैंने एक चम्मच डाली लेकिन नहीं एक नहीं थोड़ा मीठा
तो मम्मी मैंने भी सागे भीड़ कर देता हो मैं भी जाऊंगा घर आ जाऊंगा बढ़िया मालिश करो आप तो मम्मी देख लो इतना अंदर से चल के बाहर तक किस लिए आए गाड़ी देखने के लिए आए पापा को हम नीचे पहुंच गए पापा मम्मी जल्दी रहती है ये छोटे वाले तो सब गिर जाएगा कर क्या उसके सब नहीं मिलेगा ऋषभ आपका टाइगर गिर गया तो हुकुम और जाने के बाद मैंने कम से कम 3-4 घंटे नींद निकाली है और अब मैं जा रही हूँ उस वाले घर और मैं नींद निकालने के बाद मैं काफी फ्रेश लग रही हूँ चेहरा एकदम सही लग रहा है तो आप आराम फरमाओ किशु के साथ मैं जाती हूँ क्यू को लेके ओके मम्मा लव यू मम्मा चलो अब घर चलते हैं पापा मेरा नीचे वेट करने क्यू ने क्या किया कल तो बिल्कुल भी नहीं सोई है और आज इसने पूरे दिन नींद निकाली है पूरे दिन कल तो पापा को देखने की एक्साइटमेंट में ना पूरे दिन उनके साथ खेलती रही और आज मेरे बेटे ने नींद निकाली है क्योंकि पापा ने चाय नहीं पी थी और मुझे भी जुकाम हो ही रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए तो मैंने मेरी और पापा की चाय बनाई और उसके बाद मैंने साथ के साथ ही फिर आटा लगा के सोचा रोटी बना दूँ क्योंकि क्यू सो रही थी और इससे अच्छा टाइम नहीं होता जब क्यू सोती है तभी फटाक से काम कर लो वो ज़्यादा बेहतर है तो बस अभी हम चपाती बना रही हूँ फिर मुझे पापा के परांठे भी बनाने हैं क्योंकि पापा शाम को ना या तो दाल चावल खाते हैं या फिर वो परांठे खाते हैं बस फटाक से मैं खाना बना लूँ इससे पहले कि क्यू उठ जाए क्योंकि क्यू को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना उसे फीवर भी हो रखा है मतलब पता नहीं कैसे जुकाम खांसी इसके जोर की वजह से ही उसे फीवर हो गया होगा और मेरे पापा के परांठे ना मतलब नीचे नहीं सेकने देते ना ही उन पे घी लगाने देते हैं सिर्फ अंदर घी लगा सकते हो आप ऐसा वाला रूल है उनको लगता है कि मतलब परांठे के ऊपर घी लगाना बिल्कुल सही नहीं है मतलब ये पापा का मेथड है उनको लगता है ऐसा तो इसलिए मैं ना पूरी कोशिश कर रही हूँ हालांकि ना सच बता रही हूँ मतलब ऐसे सेकना बहुत मुश्किल है हाथ ऐसे जलने से लग जा रहे थे मेरे तो ये बहुत सारे डायपर हमारे लेके आए हैं हुकुम और पूरा का पूरा बैग भर के मैंने मंगवा लिया है क्योंकि भाभी से हुकुम लेके आए थे कनाडा से बहुत सारे डायपर मतलब अभी भी ये समझ लो आपकी घर पे ना एक पूरा बड़ा बैग भरा हुआ पड़ा है
तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा डायपर काम आ रहे हैं अभी ना, तो मैं मंगवा ही लेती हूँ। और सारे ही सुपर कंफर्टेबल है, मैंने एक दो इसको लगा के चेक कर लिया है, सारे के सारे कंफर्टेबल हैं सारे। इवन मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगा, मतलब ये तो कम से कम 6-7 घंटे चलने वाला है, ऐसा वाला है। तो डायपर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा काम आ जाता है। तो पापा को मुझे जस्ट अभी खाना खिलाया मैंने, पापा भी सोने चले गए और क्यू भी सो रही है। क्यू तो इनफैक्ट ना अभी 11 बजे है, मैं आपको क्या बताऊँ, जब से हुकुम गए, हुकुम और गए थे 3:15 बजे, तब से ही सो रही है वो, तब से ही सो रही है। क्योंकि हुकुम का क्या था पता है, जब भी वो सो रही थी ना, 2 दिन से उसको परेशानी करे जा रहे थे, उसको जाते हैं छेड़ते हैं और उसको उठा देते हैं उसके साथ खेलने के लिए, उनका ये वाला सीन हो रहा था, तो इस वजह से वो सो ही नहीं पाई। हुकुम और यहाँ से ना जयपुर से 5 बजे निकले थे, क्योंकि हमारे घर से जाने के बाद वो चले गए थे कनाडा वाले भाभी साहब, उनके जो जीजा रहते हैं वहाँ पे, और हमारे यहाँ जयपुर में प्लॉट भी लिए हुए हैं, तो जब भी आना होता है जयपुर तब पापा और हुकुम उसको देख के जाते हैं, क्योंकि संभालते रहना ज़रूरी है मेरे हिसाब से ना। जीजा हुकुम के घर के पास में ही है जो दादा हुकुम ने लिया हुआ है, तो वो भी देख के आते हैं। उसके बाद में फिर वो लोग 5 बजे निकले थे, तो वो लोग पहुँचे 9:30 बजे, मेरी बात हो गई थी कि हुकुम पहुँच गए। हाँ, मेरे बालों की हालत देख रही हूँ मैं अभी कैमरा पे ना, हेयर वॉश करने के बाद मैंने कॉम तक नहीं किया, मेरे पिछले 2 दिन से बाल ऐसे उलझे पड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। कोई बात नहीं है, कल करेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन ये 2 दिन बहुत अच्छे निकले हुकुम के साथ, क्यों बहुत खुश रही, दादा दादी सा से मिली, सबके साथ खेलती भी रही, मतलब बहुत ऐसे कि मैंने इतने दिनों बाद देखा था कि इतना खेलती भी है वो, पूरा टाइम ऐसे एक्साइटेड बच्चा बन के रही कि जो भी खेल रहा है जितना भी हंसा रहे हैं वो हंस रही है। तो अब मैं सोऊंगी और साथ में वीडियो एडिट भी करूंगी, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, सुबह काम भी होगा और क्यू भी जाग जाती है। अभी क्यू फ़िलहाल सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अब भी वीडियो एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद ताकि मैं सुबह फ्री रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आप व्लॉग इन्जॉय कर रहे हो, ऐसे अपना प्यार देते रहो, ऐसे ही साथ बने रहो, और कॉमेंट्स के ज़रिए भी बताते रहो कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, या नेक्स्ट टाइम आप क्या देखना चाहोगे, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है वो आप कॉमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।